नमस्कार प्रणाम, मैं पिंकू कुमार प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके रिसबमिशन को लेकर के, जो एक पत्र वायरल हुआ था यानी कि जारी हुआ था 14 मई 2024 को। उसमें जो है 10,000 से ऊपर 1,00,000 तक का रिसबमिशन 14 मई से आपके लिए एलिजिबल था, यानी कि 14 मई से आप 10,000 से ऊपर यदि आपका भुगतान जमा राशि है तो आप कर सकते हैं रिसबमिशन। और उसके बाद में जिनका 1,00,000 से 5,00,000 तक है जमा राशि, वो लोग 20 मई से अपना रिसबमिशन करने के लिए तैयार भी हो गए थे और कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो लोग 14 मई के बाद में अपना रिसबमिशन किए हुए हैं, क्या उनका पैसा सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मिलना शुरू हुआ है या नहीं। जी हाँ, यदि आपने 14 मई के बाद में सहारा रिफंड पोर्टल पर यदि अपना आवेदन रिसबमिट किया है, रिसबमिशन के लिए किया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ज़रूर इसकी ज़रूरत होगी कि हमारा पैसा आखिर कब तक मिलेगा। अब तो रिसबमिशन भी कर दिया है तो उसी के ऊपर हम संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। और जिनकी जमा धनराशि 10,000 तक थी, उनको ना अकाउंट ओपनिंग फार्म भरने की ज़रूरत थी और न मेंबरशिप फार्म, उनका तो सीधे पैसा उनके अकाउंट में ही आना था। और ये अकाउंट ओपनिंग और मेंबरशिप फार्म को लोड करने की अनिवार्यता को जो है समाप्त ही कर दिया गया था, अब इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इनकी तो बात छोड़ते हैं, लेकिन आप में से जिन लोगों का भी भुगतान 10,000 से ऊपर 5,00,000 तक जिनका भी भुगतान है, यानी कि अटका हुआ पड़ा है, जमा राशि है आपका और आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर रिसबमिशन भी कर दिए हैं या करने के लिए तैयार हैं, अभी सोच ही रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, ज़रूरतमंद रहने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने अभी तक रिसबमिशन किया है, क्या उनका भुगतान अभी तक मिला है या नहीं मिला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपका कीमती समय ना वेस्ट करते हुए सीधे यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने 14 मई के बाद में सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना रिसबमिशन के लिए रिसबमिट किया है, यानी कि रीअप्लाई किया है, क्या उनका भुगतान उनके अकाउंट में आना शुरू हुआ है या नहीं। इससे पहले एक अहम जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कल की डेट में सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाले अभय देव शुक्ल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमारे गरीब सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाले, लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले अभय देव शुक्ल को कल पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है, उनके घर पर जाकर के उनको अरेस्ट कर लिया है। इससे निवेशकों के मन में भी एक भय सा बन गया है कि जब गरीब सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाले अभय देव शुक्ल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इस प्रकार से हमारी आवाज़ों को आगे कैसे पहुंचाया जाएगा ऊपर की ओर और किस प्रकार से हम लोगों का भुगतान मिलेगा, तो ये सब कल हुआ। खैर, अपने टॉपिक पर अब चलते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल की। तो दोस्तों, सभी को मालूम है 1,00,000 से 5,00,000 तक के भुगतान के लिए बात की गई थी पोर्टल से। तो 10,000 जिनका था, उनको न मेंबरशिप फार्म भरने की ज़रूरत थी और न ही
अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उनका तो 10,000 तक है तो उनका अकाउंट में आने की बात की गई थी। लेकिन जो 10,000 के ऊपर यानी कि 1 लाख तक 20 मई तक आप लोग जो है इसका रिसबमिट कर सकते थे, और 20 मई के बाद में 1 लाख से 5 लाख तक का, तो जिन लोगों ने किया है क्या उनका भुगतान अभी तक मिला है या नहीं? दोस्तों जिन लोगों ने अभी किया है अभी तक तो उनका भुगतान नहीं मिला हुआ है, आगे कब मिलेगा इसकी कोई अभी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं सहारा रिफंड पोर्टल पर वर्क जो है बहुत ही स्लो स्पीड में चलता है। आप सभी को मालूम है काफ़ी दिन से ये कार्य चल रहा है, जब से सहारा रिफंड पोर्टल आया है मार्च 2023 से, तब से इसकी स्पीड बहुत ही स्लो है, लेकिन डेफिशिएंसी आने में इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये सभी को मालूम है दोस्तों। तो अगर आप लोग अभी रिसबमिट नहीं किए हैं तो आपके मन में क्या राय है कि आप रिसबमिट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। और दोस्तों मैं आप सभी को क्या राय देता हूँ आप रिसबमिट करें या ना करें, देखिए दोस्तों ये रिसबमिशन के लिए जो पोर्टल पर ऑप्शन आया है तो आप रिसबमिशन कर दीजिएगा, यानी कि रिसबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा तो लगेगा ही, लेकिन अगर मिलेगा तो हम लोगों का भुगतान जो है मिल जाएगा, इससे ये मालूम होता है। ये कहने के लायक नहीं रहेंगे कि हम लोगों ने रिसबमिशन पोर्टल पर रिसबमिट ही नहीं किया, इसलिए आप लोग जो है जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं। 1 लाख से 5 लाख तक जिनका है वो लोग भी अब एलिजिबल हैं, उनका भी ऑप्शन खुल गया है, 20 मई से कहा गया था, तो आप लोग जो है 1 लाख से जिनका 5 लाख तक है वो लोग भी रिसबमिशन के लिए एलिजिबल हैं, सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें भुगतान की, तो भुगतान तो वैसे ऑफलाइन ही संभव होगा, ये तो सभी को मालूम है, सरकार को भी मालूम है, माननीय सहकारिता मंत्री जी को भी मालूम है कि जितने भी निवेशकों का भुगतान है, 12 से 13 करोड़ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निवेशक हैं, उनका भुगतान संभव होगा ऑफलाइन ही पोर्टल के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन भुगतान पॉसिबल होना बहुत ही असंभव है, ये सभी को मालूम है। लेकिन जो रिसबमिशन के लिए ऑप्शन आया था उस पर लोगों ने किया तो अभी तक तो उनका भुगतान नहीं आया हुआ है, आगे क्या होता है जैसे ही भुगतान आता है या और कोई चर्चा होती है तो उसकी जानकारी हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।